तो ये हमने कॉइलें निकाली हैं और इन्हीं कॉइल से मैं बताऊंगा आपको कि आपको कॉइल कितने पर सेट करनी है। ये हम कॉइल डालने वाले हैं, तो इससे पहले आपको ये काट के रख लेने हैं। जैसा कि मैंने ये रख लिया है पत्ते काट के इसमें लगाने के लिए, तो समय लगाते हैं आपको दिखाते हैं। कॉइल लगाने से पहले ये लगेंगे कॉइल के साइड से, जिससे टच ना हो अंदर मैग्नेट में, कॉइल अलग रहे। अगर चिपक जाएगी तो भरभराहट की आवाज़ आएगी, तो समय लगा देते हैं हम कॉइल भी। ये लगा के तो ये अटक रही है अभी, इसमें ये कोर अटक रही है, तो हम इसे सही कर लेते हैं पहले। अब सही है, तो मतलब ऐसे ही हम ये लगा लेते हैं और सब में कॉइल लगा देते हैं ये पत्ते लगा के। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कितने पे कॉइल सेट करनी है, इससे आवाज़ हमारी स्पीकर जितने हैं सबकी सेम रहे और कम ज़्यादा ना हो। तो स्पीकर की मैं अभी बताऊंगा कि कितने पे ये कॉइल कितनी बार करी जाए और सेट करें, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक में तो पेज को फॉलो कर लें। तो इनमें सब में हमने लगा दी कॉइल और इसमें रह गई है, तो ये भी साइड। तो सब में हमारी कॉइल लग गई और सब में मैंने फिक्स कर दी, सेटिंग कर दी कॉइल की सबकी। और अभी ये कनेक्शन बचे हैं सबके, ये कनेक्शन बचे हैं, ये कनेक्शन करेंगे अब हम इसमें। तो पहले कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद एलराइट लगाएंगे इसमें, ये बोंड लगाएंगे सब में कॉइल जितनी हैं। तो पहले इससे लगाने से पहले इसमें कनेक्शन कर लेते हैं, फिर इसमें गैप लगेगी और चला के दिखाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कॉइल की सेटिंग बताऊंगा कि कॉइल मैंने इनकी सबकी कॉइल कितने पर सेट की है ये, और कितने पर करनी चाहिए जो सबकी आवाज़ मतलब सेम रहे, कम बढ़ ना हो मतलब, और कोई दिक्कत ना हो, जल्दी ख़राब भी ना हो, तो ये बताऊंगा मैं। तो पहले सबकी कनेक्शन कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। हम लगते हैं ऐसे और कनेक्शन करते हैं सबके, और सब स्पीकर चला के दिखाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो टोटल स्पीकर के कनेक्शन कर दिए हमने और एलराइट लगाएंगे इसमें कॉइल में। तो हमने सब पर एलराइट लगा दिया, बॉन्ड लगा दिया, अब इन्हें निकालते हैं। तो आपको अभी ये चेक करके दिखाएंगे, और जो भाई नहीं जानते कॉइल कितने पे सेट करें, तो एक चीज़ देख लें, ये जली हुई कॉइल है, जैसे ये जितनी जली हुई है और काली है इतनी ही बाहर रखनी है कॉइल। जो ओरिजिनल कॉइल मतलब होती है वो वहीं से सेट होके आती है, स्पीकर मतलब बन के आता है, तो उतनी वो अपने हिसाब से मतलब सेट करी हुई होती है इतनी, ठीक है, 2-3 mm तक। और नई कॉइल है तो आप इतनी रख सकते हो 3 mm तक, और जितनी मतलब काली पड़ गई है उतनी ही बाहर रखनी है। जो भाई नहीं जानते mm का मतलब, तो यहाँ पर काली कॉइल पड़ जाती है जितनी बाहर होती है, ठीक है, तो आप उतनी ही बाहर निकालें, ज़्यादा आपको नहीं निकालनी है, ज़्यादा अंदर कर दोगे तो मतलब आवाज़ खुल के नहीं निकलेगी। और अभी जितने हमने स्पीकर बनाए हैं वो सब आपको चेक करके चला के दिखाएंगे। और आप, मैंने आपको स्पीकर दिखाया था, दबा के स्पीकर देखा था, तो दबाने से क्या पता लगता है कहीं पे कॉइल हमारी टच तो नहीं हो रही है, जिससे परपराहट की आवाज़ आएगी उसमें, और वो आपको आपको चला के देख लेना है स्पीकर, जैसे मैंने आपको चला के दिखाया था अभी।
तो आप इतनी ही बाहर रखें, ज़्यादा नहीं रखें, और आपको हम चेक करके दिखाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक मैथ पेज को फॉलो कर लो। तो 12 स्पीकर हमने ये एक साथ बनाए हैं और हम चला के दिखाते हैं आपको। तो चलो, अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मेरी और वीडियो बनी हुई है, स्पीकर रिपेयर कैसे करें उस वो देख लो जाके, बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया है हर बात आपको जो समझ में नहीं आई। और जो मैंने स्पीकर आज बनाए थे, तो जो स्पीकर मैंने ये बनाए थे, इसमें एक एलाराइट लगाया है 60 रुपये का जो आता है, ये वाला, ये जो 60 रुपये का आता है, ये एक लगा है। 12 स्पीकर पर कॉइल डाल दी मैंने एक में ही। कुछ लोग हैं ज़्यादा लीप देते हैं उसमें, इधर उधर ज़्यादा मतलब भर देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एलाराइट लगा के स्पीकर थोड़ा चला देना है जिससे स्पाइडर तक मतलब एलाराइट पहुंच जाए और मतलब छुटे ना। तो ये मैं दो लेके आया था वैसे, एक ये लाया था एक ये लाया था, दो लाया था मैं। तो मतलब ये देख सकते हो आप, अभी तक ये खुला भी नहीं है, ये मैंने अभी तक खुला भी नहीं है। आप सोचते हो कि भाई झूठ बोल रहे हो, तो ये देख सकते हो सील पैक है अभी, और मैंने ये अभी खोला नहीं है, और एक में ही मतलब 12 स्पीकर बना दिए। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये एक ही मैंने मतलब खोला था और 3 बार में मैंने स्पीकर चार चार करके बना दिए। एक बार मिलाया था तो 4 स्पीकर में लगाया था और मतलब हो गया। और तो ऐसे ही आपको स्पीकर बनाने हैं, और कोई भी मतलब शिकायत है कमेंट में बताया करो। और अगर नहीं जानते हो तो पहले मेरी वीडियो देखो जाके, बहुत वीडियो मैंने बना रखी हैं, उनमें आपको वीडियो अगर नहीं मिलती है फिर मुझे शिकायत करो कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक में तो पेज को फॉलो कर लो, तो भाई को सपोर्ट करो। और एक से एक नई जानकारी देगा भाई, आज 12 स्पीकर बनाए हैं और किसी दिन मैं 12 के 24 भी बना के दिखाऊंगा एक साथ। तो भाई को सपोर्ट करो और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कोई एम्पलीफायर या मतलब कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है, एम्पलीफायर ख़राब हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो भाई के चैनल से जुड़ो और A to Z सोल्यूशन मिलेंगे DJ से रिलेटेड। तो भाई की वीडियो लाइक करें, मिलता हूँ अगली वीडियो में, नमस्कार।